350 साल पुराना बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली की शान का प्रतीक है। ये गुरुद्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक विरासत को अपने में संजोए हुए है। इसे दिल्ली का गोल्डन टेंपल भी कहा जाता है। यहाँ की हवा में सुकून ऐसा है जैसे पांव रखते ही सारी चिंताएं दूर हो जाती हों। रोजाना हजारों की संख्या में बंगला साहिब गुरुद्वारा आने वाले लोग इस बात के साक्षी हैं। ये गुरुद्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। इसे सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि साल 1644 में जब दिल्ली में हैजा और चेचक महामारी फैली थी, तब गुरु साहिब ने इस स्थान पर आकर हजारों लोगों की सेवा और सत्कार किया था। उसी के बाद इस गुरुद्वारा को राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। मान्यता है कि गुरु साहिब ने ही यहाँ उस प्याऊ की शुरुआत की थी जिसका जल आज लोग विदेशों तक ले जाते हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है। सेंट्रल दिल्ली का ये मशहूर गुरुद्वारा एक बड़े इलाके में बना है। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर प्रमुख द्वार से होते हुए गुरुद्वारे में अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। कोरोना से पहले यहाँ 24 घंटे लंगर चलता था, लेकिन मौजूदा समय में इसे समयबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। दावा किया जाता है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब ने लॉकडाउन के समय करोड़ों लोगों को लंगर खिलाया। गुरुद्वारे के मैनेजर रंजीत सिंह ने बताया कि यहाँ 24 घंटे तो नहीं, लेकिन 60 से 70 हजार लोगों को रोजाना लंगर खिलाया जा रहा है। कोरोना से पहले जब कोरोना चला था, फिर तो पहले तो हम लंगर बाहर भेजते थे डेली। हूँ कोरोना के बाद हमने लंगर गुरु घर में शुरू कर दिया। डेली 60-70 हजार बंदा लंगर खा के जा रहा है यहाँ से। कोई बदलाव आया कोरोना के चलते? नहीं, हमारे को कोई बदलाव नहीं। हमारे तो संगत आप भी देखो, चारों तरफ नगा मार के वैसे संगत है जैसे पहले थे। मौजूदा समय में रोजाना कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं गुरुद्वारे में? मौजूदा संख्या में कम से कम 60-70 हजार डेली आदमी आ रहा है मत्था टेकने। और पहले लॉकडाउन से पहले जब बात करें, उसी वक्त तो बहुत कम था ना, उसी वक्त को 5000-4000 से पहले जब आम दिनों में, उसी वक्त भी हाँ पूरे पुराने दिनों के तरह चलना शुरू हो गया निरंतर। गुरुद्वारा मैनेजर ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी है। गुरुद्वारे में स्थित ये है बाला प्रीतम दवाखाना, भारत का सबसे सस्ता दवाखाना। यहाँ कुछ समय पहले ही ये बाला प्रीतम दवाखाना खोला गया है। खासियत ये है कि यहाँ हर दवा मार्केट रेट से कई गुना कम दाम में मिलती है। इसकी शुरुआत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने की थी। दिल्ली में इसे सिखों के मामलों की सुप्रीम बॉडी कहा जाता है, जिसके चुनाव 2021 में ही होने हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारा बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ के माहौल में सकारात्मक अनुभूति है, जिसका एहसास करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दिल्ली के अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों के साथ ही बंगला साहिब गुरुद्वारे का संचालन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से किया जाता है। मौजूदा समय में गुरुद्वारे के रखरखाव और साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन इसकी असल परख दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में ही देखने को मिलती है। मौजूदा समय में मार्च और अप्रैल महीने में कभी भी कमेटी के चुनाव होने हैं, जिसमें इस बात पर भी फैसला होगा कि बंगला साहिब गुरुद्वारे के साथ ही दिल्ली के अन्य गुरुद्वारों का संचालन किसके हाथ में जाता है। लेकिन सच्चाई है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब मौजूदा समय में दिल्ली के बाहर के लोगों के साथ ही दिल्ली के अपने लोगों के लिए एक प्रसिद्ध जगह है, मशहूर जगह है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आकाश शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।